जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। दोस्तों आज का जो वीडियो है, कईयों को कमेंट बॉक्स में मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, जिनके जो रिजल्ट जो जनरल डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, तो उनको ये परेशानी है कि सर अगर हमारे जनरल डिस्ट्रिक्ट से मेरिट बनी और नंबर नहीं आए तो क्या होगा। इसके बारे में साथ ही कुछ ऐसे कमेंट है जिनका मैं रिप्लाई करूँगा आज। कुछ ज़्यादा ही भावुकपूर्ण मतलब कमेंट आ रहे हैं तो उनका भी इस वीडियो में रिप्लाई करूँगा। बहुत ही खतरनाक कमेंट आ रहे हैं तो उनमें से कुछ कमेंट दिखाऊंगा आपको और उसका भी रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों बता दूँ, जो पहले तो कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट या नक्सल डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, अगर इनका रिजल्ट जनरल डिस्ट्रिक्ट से आया है, जैसे जब वो मेरिट आई उस समय जनरल डिस्ट्रिक्ट से आया है, तो अब जो फाइनल मेरिट बनेगी और मान लो अगर जनरल डिस्ट्रिक्ट की मेरिट अपर रही तो फिर इनका क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा डाउट है इनको। तो आप इस बात को इस बात से समझिए, जैसे एस सी या एस टी या ओ बी सी का कोई बंदा है, मान लो ओ बी सी की कट ऑफ रही है 75 और जनरल की कट ऑफ रही है 80। अब इसमें क्या होता है, जैसे जो ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी का बंदा, अगर जो 80 नंबर लाया है वो किस मेरिट से जाएगा, जनरल की मेरिट से, मतलब वो ओबीसी की सीटों में नहीं रहेगा, वो सीधा जनरल की मेरिट में जाएगा और जो जनरल की सीटें हैं उन पर उनकी रिकवरी होती है। लेकिन अगर कंडीशन ये है कि मान लो उसके 80 के बजाय 79 आ गए, जबकि जनरल की मेरिट कितनी है 80 और उनके आगे 79, तो उनका क्या होगा, फिर वो अपने ही वापस उसी में आ जाएंगे जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं। तो ऐसे ही होगा दोस्तों, आपको इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मान लो अगर आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट से, आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट से मेरिट आया है, तो इसका ये रीज़न है कि आपके नंबर अच्छे हैं और जनरल डिस्ट्रिक्ट में जिस लेवल पर मेरिट कट ऑफ गई है उस लेवल के अकॉर्डिंग आपके नंबर अच्छे हैं, तो इसीलिए आपकी जो मेरिट है वो जनरल डिस्ट्रिक्ट से दी है। लेकिन यदि जब फाइनल मेरिट आती है उस समय अगर मान लो आपके नंबर से ज़्यादा मेरिट गई उधर, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट के अनुसार आपकी मेरिट बन जाएगी और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उनकी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ही मेरिट बनेगी। कब, जब अगर आपके जितने नंबर आए जनरल की मेरिट उससे ऊपर गई तो आपके उस नंबर से नंबर आ गया। लेकिन हाँ, अगर जनरल की मेरिट ऊपर गई और फिर आपकी जो मेरिट है नक्सल या बॉर्डर एरिया की वो भी अगर ऊपर गई है तो फिर उसमें कुछ समाधान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके जनरल डिस्ट्रिक्ट से नंबर आया है, मेरिट गई है, तो इसका मतलब आपके अच्छे नंबर है, तो आपका नक्सल या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आसानी से नंबर आने के चांसेस है दोस्तों। तो आप बेफिक्र रहिए, आपके नंबर ज़्यादा है इसलिए आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट से मेरिट गई है। अब साथ में बता दूँ, कुछ ऐसे कमेंट आ रहे हैं खतरनाक, जैसे कल किसी ने कमेंट किया है कि हमारे बच्चे आके बताएंगे कि आपका रिजल्ट आ गया है, तो इतने बुरे दिन भी नहीं आएंगे, इतनी घबराने की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि हमारे बच्चे आके बताएंगे कि हमारे रिजल्ट में किस किस का नंबर आया, किस किस का नहीं आया। नहीं, इतना बुरा भी नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। और भी एक दो कमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी कुछ खतरनाक ही मतलब धांसू कमेंट है, बार बार वो कमेंट कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ एक तो बोल रहा है एस एस सी बेवफा है, मतलब आप इसको इस प्रकार से क्यों ले रहे हो। बोला जितना दुख जीएफ के छोड़ने का नहीं होता उससे ज़्यादा दुख ही दिक्कत रही है, कह सच्ची बात है। सलो सिलेक्शन कमीशन, हाँ ये बात बोल सकते हो, सलो सिलेक्शन कमीशन, ये किसी ने अच्छा कहा है। तो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले, इनका आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, तो अगर जो नए हैं चैनल पे जुड़ जाइए।